कल के क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था मुद्रा अभिप्राय उद्भव एवं कार्य। कल हम लोगों ने जाना था कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ और मुद्रा की परिभाषा क्या है। इस क्रम में हम लोगों ने जाना था कि मुद्रा की परिभाषा को विद्वानों ने तीन वर्ग में रखा है। पहला वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा, दूसरा वैधानिक मतलब कानूनी परिभाषा, और तीसरा सामान्य स्वीकृति का परिभाषा। आज जानेंगे मुद्रा के कार्य। कल हम लोगों ने मुद्रा के परिभाषा में एक बात सामान्य पढ़ा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और सबसे अच्छी बात मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, जो जिसे वैधानिक कानूनी मान्यता प्राप्त हो, और कानूनी मान्यता होने के साथ साथ उसे सामान्य स्वीकृति भी प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। कानूनी मान्यता प्राप्त है लेकिन सामान्य स्वीकृति नहीं है तो मुद्रा होकर भी वो मुद्रा नहीं कहलाएगा। जैसे चेक, चेक को कानूनी मान्यता है लेकिन मतलब डिपेंड सामने वाला पर करता है, मन होगा तो लेगा, मन होगा तो नहीं लेगा। आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि आपको लेना ही पड़ेगा। अब हम मुद्रा का कार्य की बात करते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या है। तो मुद्रा के कार्य, कार्य का मतलब होता है काम। मुद्रा के दो कार्य हैं, मेन काम कितने हैं? मुद्रा का मुख्य कार्य मात्र दो है। कितने हैं? पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का, मुद्रा के मुख्य कितने काम हैं? दो ही काम हैं। पहला क्या है? विनिमय के माध्यम। विनिमय का मतलब था अदला बदली। मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु का या मुद्रा से किसी वस्तु का खरीद सकते हो। माने अदला बदली करने का आधार क्या है, इसका सबसे मेन काम है। गलत सही। और दूसरा क्या है? मूल्य का मापक। तो सबसे पहले मुद्रा के कार्य को तो हमने पढ़ लिया, तो यहां दिया टॉपिक, लेकिन मुद्रा के कौन कार्य है ये? मुद्रा के हम प्राथमिक कार्य को पढ़ रहे हैं। कौन कार्य? मुद्रा के प्राथमिक माने पहला कार्य है। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या है? मूल्य का मापक। विक्रम रोल नंबर बताएंगे तो पता चलेगा, विक्रम तीन को है लेकिन थोड़ा देर देखेंगे तब बताएंगे। सर अभी क्लास में थे, मीरा को कॉल करेंगे। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? मुद्रा के कार्य तो टॉपिक लेके चल रहे थे, लेकिन मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? क्या है? दूसरा क्या है? तो ये तो हो गया किसका प्राथमिक कार्य। दूसरा जाता है, सॉरी यहाँ गलती कर दिया फोन के चक्कर में, दूसरा आता है मुद्रा के गौण कार्य। क्या आता है? मुद्रा के, अच्छा गौण को हम द्वितीय कार्य भी कह सकते हैं, गौण कार्य को द्वितीय कार्य भी कर सकते हैं। और मुद्रा के गौण कार्य तीन है। मुद्रा कुछ रही, मुद्रा के गौण कार्य कितने हैं? तीन है। एक है अस्थगित भुगतान का मान, एक क्या है? अस्थगित भुगतान का मान, दूसरा है मूल्य का संचयन। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण।
मुद्रा के गौण कार्य मतलब दूसरा कार्य क्या है? अस्थगित भुगतान का मान। अस्थगित भुगतान मतलब आपने किसी व्यक्ति से आज कोई सामान खरीदा या कहकर कि हम आपको अगले तारीख को आपका रुपया हम क्या कर देंगे, दे देंगे, तो उसे कहते हैं स्थगित भुगतान। जिस भुगतान को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन भुगतान को कुछ घंटों के लिए रोकने का पावर अगर किसी वस्तु में है तो हम मुद्रा में, वस्तु में नहीं है वो, मुद्रा में कोई गुण है। तो भुगतान स्थगित भुगतान का मान किसके पास है? मूल्य का संचय, किसी वस्तु के मूल्य को स्टोर करने का पावर अगर है किसी में तो किसमें है? कि जैसे मान लो कि 2 महीना पहले, पढ़ी लिए मई की कहानी में बता रहा हूं, मई महीना में गेहूं की कीमत प्रति क्विंटल 1900 रुपये था खेत में, मान लो 2000 रुपये अधिक से अधिक, लेकिन 1850 रुपये क्विंटल गेहूं की कीमत थी। किसान गरीब होते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजन से कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं। जब खेत से अनाज घर में आ जाता है तो चाहता है कि अपने उपयोग के लायक अनाज को रखकर बाकी अनाज को बेचकर महाजन के कर्ज को क्या करते हैं, गलत सही? इस क्रम में क्या करता है, यह जानते हुए भी इस बार शुरुआत ही 1800 से हो रहा है, 1900 से हो रहा है, पिछली बार 1100 से शुरुआत हुआ तो अंत में 2500 तक गया था, और जब 1800 शुरुआत हो रहा है इसका मतलब गेहूं इस बार 3000 के क्विंटल पहुंचेगा। मजबूरी में उसने क्या कर दिया, 1800 1900 या 2000 तक क्या कर दिया, जिनके पास पैसा था उसने 1800 या 1900 रुपये गेहूं को क्या कर दिया, खरीद दिया, जाके खुले स्टोर में मैंने FCI गोदाम में जमा कर दिया, मतलब 1800 रुपये मूल्य स्टोर कर लिया, संचित कर दिया, कि जब इसका दाम बढ़ेगा तो स्टोर में से निकाल कर पुनः क्या करेंगे। यह मूल्य, यह गुण वस्तु में था, यह गुण किसमें, मुद्रा में, कि भाई पैसा बैंक में ना रख करके पैसा हम अनाज में रख रख दिए, बैंक ब्याज देगा कम देगा, अनाज ब्याज देगा ज्यादा देगा, गलत की सही? मूल्य का हस्तांतरण मतलब मूल्य को एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में ट्रांसफर करने का यदि पावर है तो किसमें है? जैसे आपके पास मान लो सीतामढ़ी में जमीन है और पटना में खरीदना चाहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो क्या होता, आपको ऐसे व्यक्ति तलाश करनी होती जिसका जमीन पटना में है और पटना का जमीन आपको देकर सीतामढ़ी की जमीन लेना चाहता है, उम्मीद है मिल जाता या नहीं मिलता, ज्यादा उम्मीद नहीं मिलता, लेकिन आज मुद्रा हो गया है, आप सीतामढ़ी के जमीन को क्या कर दो, आप पटना में जाके जमीन खरीद लो, पैसा जाएगा उस पैसा से क्या कर लो। तो मूल्य का हस्तांतरण करने का पावर अगर है किसी के पास तो किसके पास है? और तीसरा क्या है, आकस्मिक कार्य, कौन कार्य है? आकस्मिक कार्य का मतलब होता है अचानक कार्य, आकस्मिक कार्य का मतलब क्या होता है, वह कार्य जो क्या हो, अचानक हो, नहीं तो आकस्मिक कार्य में क्या होगा, साख का आधार, कोई दुकानदार आपको उधार इसलिए देता है साख माने विश्वास, क्योंकि आपके पास पैसा है, गलत सही? आपके पास नौकरी है। हम बहुत बार पहले कई लोगों से कर्ज मांगने गए, हमको किसी ने नहीं दिया, और निके छोड़ रिश्तेदार भी कहां से देगा, तू विद्यार्थी नौकरी तो हुआ नहीं, एकदम सही बात बता रहा हूं, क्योंकि उसे लगा कि यह सधाएगा कहां से, क्योंकि हम पर किसी का भरोसा नहीं था, न एक धूर मेरे पास नाम से जमीन था, न बैंक में अकाउंट था, न कोई चल संपत्ति थी ना, लेकिन एक बार दो बार किसी से कर्ज लेकर काम किया, जब मिलता गया सर कुछ ज्यादा ब्याज का दर हमसे लिया था, हम कहे कम कर दीजिए ना थोड़ा सा, हम लोग कोचिंग पैसा पढ़ा के बुराई में नहीं सुधा देंगे, समय पर दे देंगे, 2.5 रुपये हमसे लिया था ब्याज, हमने कहा 2 रुपये कर दीजिए, ज्यादा लेता है 10-20 लाख लेता है उसको देता हूं, नहीं दिया उन्होंने।
लेकिन अब जब भी मिलता है तो क्या असर लेना है, घर पुरान हो गया बनाइए ना ऊपर, ठीक है रहने लायक है ना। प्रश्न है क्यों? क्योंकि जानता है कि अब इनके पास भी कुछ विश्वास मार्केट में है, हम नहीं देर में कोई ना कोई जहां हाथ फैलाएगा वहां इंसान को क्या हो जाएगा। तो शाख का आधार क्या है? मुद्रा। मुद्रा है तो आप पर सबका भरोसा होगा ना, कहता जे ना करे बाबू भैया से करे रुपया। सही कहा है बुजुर्गों ने कि गलत कह दिया? मैं एक ने कहा कि आपको भरोसा चिंता में, हमको नहीं चिंता है, पैसा चिंता है। क्या पैसा वाले किसी का दोस्त नहीं होते हैं? वह पैसा वाले पैसा का ही दोस्त होते हैं, पैसा देगा तो सब तुमको चिन्हेगा। तो शाख का आधार क्या है? मुद्रा है। मुद्रा है तो आप पर विश्वास लोगों का रहेगा, मुद्रा नहीं है तो कोई नहीं चिन्हेगा आपको, चिन्ह लेगा नहीं चिन्हता है। दूसरा सामाजिक आय के वितरण का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार। आज मुद्रा के कारण सामाजिक आय का जो है वो बंटवारा हो पा रहा है, गलत कि सही? जैसे एक पिता कमाते हैं 10,000 रुपया, उनके 4 बच्चे हैं, कोई यहां दिल्ली पढ़ता, कोई पटना पढ़ता, कोई सीतामढ़ी पढ़ता है, तो अपने आमदनी में से कुछ कुछ बंटवारा करते रहे। अगर पैसा नहीं होता तो क्या होता बोलो? धान बांट देते, दिल्ली जो तो धान पटना में पड़ी है, नहीं संभव ही नहीं था जाना, घर ही रहना पड़ता सबको। तो सामाजिक आय के वितरण का आधार कौन है? मुद्रा। मुद्रा के द्वारा ही सामाजिक आय का वितरण कर देते हैं, किसी से कोई काम करवा लेते हो आप पैसा देके। तीसरा है अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि या उत्पादन का आधार क्या? आज आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलता है तो कभी से मुद्रा से, रुपया से। आप जो चाहिए मुद्रा आपको पूरा कर देगा, बाप भाई पति पत्नी साला साली सब जो चाहिए मुद्रा आपको पूरा करवा देगा। हम लोग कहता है ना, बिगड़ा लड़का के बहनों ही कोई नहीं पालता, बना लड़का के सारो बनने को तैयार होता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बूढ़ा हो गए पाकिस्तान के किले की, क्या बड़ी सुंदर दिख रही, हमसे ब्याह कीजिएगा, कश्मीर आपको पीओ के आपको दे देंगे, दहेज में मिल जाएगा आपको। मजाक किया वो, हाँ हाँ हाँ, तो कहा सही हुई, आपने ही सही कहा कि हमसे शादी कीजिए, हमसे सुंदर पाकिस्तान में कोई है नहीं, तो आपसे पीओ के हम आपसे मुझे दिखाई लेंगे। अटल जी कहे ब्याह कर लेंगे, पाकिस्तान दहेज में लेंगे। ये सही बोला, कमेंट न्यूज पत्र पेपर में आया था, सो मैं बता रहा हूँ। अधिकतम संतुष्टि किससे मिलता है? नहीं पैसा नहीं रहेगा तो कोई बाप बनने को तैयार नहीं होता, यहाँ तो पैसा तो बेटा बनने को तो तैयार हो जाता है। देखते हैं बड़े बड़े नेताओं को होता है ना कि नजायज औलाद है ये हमार, उसके संपत्ति को है अपने के लिए। कई बार समाचार पत्र के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे, बच्चे नहीं है बड़े हो गए है? दिखाता है ना, रियल लाइफ में भी कई बार मैं घटना सुना। एक तो नारायण दत्त तिवारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी, उनके बारे में कि नारायण दत्त तिवारी का ये संतान नहीं, कुछ नहीं पैसा के लिए उनके। तो अधिकतम संतुष्टि का क्या है? आधार है तरलता एवं गतिशीलता। तरलता एवं गतिशीलता कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा जो है ना, अब उसको तरल हमने खुदरा के रूप में जहां जाएंगे पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, बड़ी आसान है लेके ढोना इसको, गलत कि सही? अब 5 क्विंटल अनाज माथा वाला लेके कहां का ढोएगा? नहीं ढोएगा, लेकिन मुद्रा तरल है, बड़ी आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोया। गतिशीलता मतलब यहां से वहां तक ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। शोधन क्षमता, गारंटी लेता है
कौन क्षमता, शोधन क्षमता की गारंटी लेता है। मतलब मुद्रा का महत्व इसलिए है, हर इंसान को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जमा करके रखते हैं, जो समय विषय माने समय पर आपको क्या करता है, काम देता है। एक बार फोन अभी तो दूसरे का टाइम दे देंगे ना, पहले यदि कह रहा था तो दे देते, लेकिन पहले कहना पड़ेगा, जैसे बात दिए वाला कर तो हम छुट्टी दिए नहीं, पहले कहेंगे। आपको आना होगा तो शुक्र को ही करना पड़ेगा कि शनि फिर उस आने वाले हैं। चलिए मुद्दे पर आइए। तो ये मुद्रा के क्या है, आकस्मिक माने अचानक होने वाला कार्य है। अब है मुद्रा के कुछ और भी कार्य हैं, और एक कार्य में क्या है, मुद्रा के कुछ अन्य कार्य की बात कर ले, कुछ विद्वानों ने मुद्रा कहा ना, इसके अलावे भी रुपया के कुछ काम है। तो मुद्रा के अन्य कार्य कौन है, तो मुद्रा के कहते हैं अस्थैतिक तथा कौन गत्यात्मक, प्रश्न एक बार पूछे हुआ था कि मुद्रा के अस्थैतिक और गत्यात्मक कार्य के बारे में चर्चा किसने किया, तो मुद्रा के अस्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्य के बारे में चर्चा जिस विद्वान ने किया था, उन विद्वान का नाम था पॉल एंजिन नामक विद्वान ने मुद्रा के अस्थैतिक और गत्यात्मक कार्य के बारे में चर्चा किया था। अब होगा कि मुद्रा का अस्थैतिक कार्य क्या है, तो नाम से लग रहा होगा अस्थैतिक माने स्थिर रुका हुआ काम, और गत्यात्मक माने गतिशील वाला काम, नाम से तो ही लग रहा है। अस्थैतिक माने स्थिर, और गत्यात्मक माने क्या होता है, गतिशील। तो प्रश्न होगा कि मुद्रा के अस्थैतिक कार्य क्या है, तो मुद्रा के अस्थैतिक कार्य में आता है स्थिर काम में जो हमेशा होता है। मुद्रा के अस्थैतिक कार्य में सबसे पहला आएगा आपका विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, यह मुद्रा के कौन कार्य हो गया, अस्थैतिक कार्य। दूसरा मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, यह भी मुद्रा के कौन कार्य हो गया, अस्थैतिक कार्य हो गया। तीसरा मूल्य का संचयन, मूल्य का संचयन, उसके बाद मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण, और इसके अलावा स्थगित भुगतान का मान। अस्थैतिक कार्य मतलब मुद्रा का कुछ कार्य फिक्स है, स्थिर है, वह काम जो करेगा तो रुपया ही करेगा, अन्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। वह कार्य जो स्थिर हो मुद्रा के द्वारा ही उस वह काम संभव है, अन्य किसी के द्वारा काम संभव, तो उस काम को क्या कहेंगे, अस्थैतिक कार्य। और मुद्रा का अस्थैतिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, किसी वस्तु से बदला बदली करना हो मुद्रा से ही संभव है। अब जमीन से जमीन का बदला बदली 100 साल पहले होता था, मतलब बदलाइन कर लिए जमीन, भैंसी दे के गाय ले लिए बहुत पहले होता था, अब नहीं होता है भाई, भैंसी के रुपया बताओ भाई, बैल का हम रुपया बताते हैं, दोनों का दाम तय होगा, अगर हमारा ज्यादा होगा तुम हमको दोगे, तुम्हारा ज्यादा होगा तो हम तुमको देंगे, गलत की सही। मूल्य का मापक, किसी वस्तु के मूल्य को मापने का काम केवल केवल मुद्रा करती है, ऐसा मार्शल ने महोदय ने भी कहा है। तीसरा है मूल्य का संचयन, किसी वस्तु के मूल्य को संचित करने का पावर किसके पास है, मुद्रा के पास ही है। स्थगित भुगतान का मान, अगर आप उधार लेते हैं तो यह हम चुकाने का पावर किसमें है, मुद्रा में। तो ये मुद्रा के अस्थैतिक कार्य कितने हैं, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। दो नंबर का प्रश्न आपसे डाल सकता है, अब देखिए तो दो नंबर का प्रश्न कौन कौन आ रहा है। पहला मुद्रा के प्राथमिक कार्य को लिखें,
दो अंक का प्रश्न आपसे दे सकता है, मात्र दो ही लाइन लिखना है। या मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? दो। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? दो। नंबर एक में विनिमय का माध्यम, मूल्य का। फिर प्रश्न आएगा आपसे वस्तुनिष्ठ, मुद्रा के गौण कार्य मतलब दूसरा कार्य कितने हैं? तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि मुद्रा के गौण कार्य तीन हैं, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचयन, स्थगित भुगतान का। ये दोनों वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है, लेकिन आकस्मिक में इसके अलावा और भी हो सकता है। ये तो अचानक होता है ना, अचानक जो फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। फिर मुद्रा के आकस्मिक कार्य को लिखें, दो नंबर का प्रश्नों का दो चार पॉइंट दे दोगे। फिर है मुद्रा के अन्य कार्य में पॉल एंजिंग महोदय ने मुद्रा को दो अन्य कार्य बताए, जैसे है अस्थायित्व कार्य, वह कार्य जो केवल मुद्रा ही कर सकता है, दूसरा कोई उसको मुद्रा का अस्थायित्व कार्य कहेंगे। एक ही स्थिति में मुद्रा ही करेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे विनिमय का, मूल्य का, मूल्य का, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतान का। फिर मैंने प्रश्न होगा तो मुद्रा का गत्यात्मक कार्य क्या है? लेकिन गत्यात्मक कार्य कुछ करने से पहले जान लेगा, स्थैतिक मन का स्थिर, तो जो स्थिर होता है उसको निष्क्रिय भी कह सकते हैं। स्थिर को हम क्या कह सकते हैं? निष्क्रिय। मुद्रा के निष्क्रिय कार्य कौन कौन है? मतलब अस्थैतिक मन स्थिर रुका हुआ, जो स्थिर होगा निष्क्रिय होगा ना, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, तो इसको मुद्रा का निष्क्रिय कार्य भी, या निष्क्रिय कार्य को कुछ विद्वान कहते हैं तकनीकी कार्य है। क्या है? तकनीकी कार्य भी। अगला है मुद्रा की गत्यात्मक कार्य कौन कार्य है? इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक आपको पढ़ना है, तो गत्यात्मक को प्रावैगिक, प्रावैगिक भी कहा जाता है। गत्यात्मक का अन्य नाम क्या है? प्रावैगिक। अन्य नाम क्या है? तो मुद्रा के गत्यात्मक कार्य क्या कौन है, प्रावैगिक कार्य कौन है? हेलो, हाँ, नहीं पहुंची क्लास लड़का है, बार बार फोन कर रही है, कोचिंग छोड़ा दो इसको, नहीं पढ़ो, इधर टेंशन नहीं करो, बीस बार कॉल कर, तुम कोचिंग नहीं करो, चंचल लग ही उठा रहे हैं, बार बार सोच रहे थे कि क्यों नहीं उठा रहे हैं, बीस बार फोन करते जा रही है, जानना है उसी का नंबर होगा। मुद्रा के प्रावैगिक कार्य की बात करते हैं या गत्यात्मक कार्य? गत्यात्मक कार्य मतलब कौन? गतिशील कार्य की बात करते हैं। गत्यात्मक कार्य में क्या होगा? तो आय स्तर का वितरण करता यही है, आय का वितरण कौन करता है? मुद्रा होगा तब आप आय का बंटवारा कर देंगे, चाहे आप सीतामढ़ी में करो होता, चाहे दिल्ली में करो होता, चाहे अमेरिका में करो होता। दूसरा रोजगार का तय कौन करता है? मुद्रा। गांव में 300 रुपया एक मजदूर को मिलता है, 350 रुपया मिलता है, दिल्ली में 1000 रुपया मिलता है, लोग गांव छोड़ के कहां चल जाता है? गतिशील कौन बनाता है इंसान को? मुद्रा का गतिशील बनाता है, इंसान का गतिशील नहीं है, इंसान को मुद्रा का गतिशील बना देता है। क्या गलत की सही? शहर में बैठा रहे कोई काम नहीं है, अचानक किसी को भाई हमारे अलमीरा को 2 मंजिला पर चढ़ा देना है, कोई साधन नहीं है, 2 आदमी लेकर आएगा या 2000 रुपए लेकर चढ़ा देंगे, 2 घंटा मशक्कत करेगा, मेहनत करेगा, कील ठुकवाना है, सब सुविधा हुआ। बड़े बड़े शहरों में कार्य का वर्गीकरण है, आपको पैसा फेंकना है, टेंशन नहीं लेना है, केवल हर कोल भर फटा हुआ है सबका नंबर, किल ठोकवाने के लिए संपर्क करें, दीवार में छेद करवाने के लिए संपर्क करें, फोन करो आधा घंटा तुम्हारे घर पहुंचेगा। दिक्कत छोटे शहरों में है जहां टेक्निकल इंसान क्या है नहीं है, हाँ संपर्क नहीं है, और जो संपर्क है वो इतना बड़ा अपने आप को सीधे करेगा, टाइम ही नहीं है, प्लस करेगा गाँव के तो कुछ नहीं, बैठ के ताश खेलता रहेगा, बड़े शहर में जाता है तो नहीं, सब काम खाना है तो आता है बाद में खाएंगे, बोलो काम करके आते हैं, तो उसको आगे बढ़ने का क्या है, जुनून है। तो इंसान को गतिशील बनाता है आय के वितरण से, रोजगार के सृजन से,
मुद्रा ही बनाता है। अब ये बात जान गए तो मैं आगे चर्चा करूं। अब है मुद्रा का वर्गीकरण, क्या है मुद्रा का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। मुद्रा का वर्गीकरण की बात करते हैं, मुद्रा को कितने वर्ग में बांटा गया है, मुद्रा के रूप कौन कौन है, तो मुद्रा को तीन आधार पर बांटा गया है। मुद्रा का विद्वानों ने कितने आधार पर वर्गीकरण किया है, तो मुद्रा को विद्वानों ने बांटा है लेकिन कितने आधार पर, तीन आधार पर। पहला है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार। दूसरा वर्गीकरण है सामान्य स्वीकृति के आधार पर, क्या है सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति मतलब हो गया कानूनी, मतलब इसको वैधानिक भी कह सकते हैं, वैधानिकता के आधार पर। तीसरा भौतिक स्वरूप के आधार पर, रूप का हो या स्वरूप एक ही बात ना होगा, मतलब मुद्रा को विद्वानों ने कितने वर्ग में बांटा है। अभी हमने मुद्रा का कार्य बताया और मुद्रा को कार्य, मुद्रा के कार्य को विद्वानों ने तीन वर्ग में बांटा है, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। चौथा कार्य पॉल एंजिंग ने बता दिया क्या स्थैतिक और गतिशील कार्य। लेकिन मुद्रा के वर्ग कितने हैं, जितना भी रुपया हमारे हाथ में चल रहा है, एक रुपया के सिक्का से लेकर 2000 के नोट तक, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कागजी जो नोट है मूल्य के आधार पर कितने प्रकार के, मूल्य के आधार पर, तो मूल्य के आधार पर कागजी नोट देखिए, एक का है, दो का है, पांच का है, दस का है, बीस का है, पचास का है, सौ का है, 200, 500 और भी छूटा गया। अचानक कोई ऐसा पूछ दे कि भारत में कितने मूल्य वर्ग के नोट हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा कुछ मिनटों के लिए, फिर उंगली पर झोरना पड़ेगा, फिर बताओगे। तो भारत में जितने भी नोट हैं कितने है? 10 है, 10 प्रकार के कागजी नोट है इंडिया अभी प्रेजेंट में। अगर क्वाइन की बात करें, ये तो हमने नोट की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, नोट की बात कर दिया। अगर हम सिक्का की बात करें, सिक्का में हम लोग आरबीआई बाबू नहीं है, क्या इमाम उद्दीन, हम बैंक में पैसा जमा करने जाते थे, लिखा रहता है एक सिक्के 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए लिखा रहता है, बैंक ने बंद नहीं किया, हमने बंद किया है, क्योंकि अमीरी ज्यादा हम लोगों के पास हो गई, सिक्का भिखारी और व्यापारी बंद किया है, सामान्य लोगों ने बंद नहीं किया है। तो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, मेरे पास 20 रुपये तक आया है। कई लोग 50-100 का बात कर, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक 20 का है, आप लोगों के माध्यम से भी मेरे पास पहुंचा है। तो 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और, तो क्वाइन कितने हो गए, 6। गलत किसे, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है तो मुद्रा का वर्गीकरण, वर्गीकरण इसी सब कारण से ना होगा, तो मुद्रा को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो आपको बता दें मुद्रा को प्रकृति के आधार पर, सामान्य स्वीकृति के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर बांटा गया है। दूसरी बात, अब प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है,
प्रकृति के आधार पर मुद्रा के कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। प्रकृति के आधार पर मुद्रा के दो प्रकार हैं। याद रखेंगे, वस्तुनिष्ठ में काम देगा आपको। मुद्रा के कितने वर्ग हो गए? तीन। लेकिन प्रकृति के आधार पर मुद्रा के कितने वर्ग हैं? दो। एक हो गया वास्तविक मुद्रा। क्या हो गया? वास्तविक मुद्रा। और दूसरा हिसाब किताब की मुद्रा। मतलब हमने कहा प्रकृति के आधार पर मुद्रा के कितने रूप हैं? पहला कौन है? तो हमारे देश में चलन की जो मुद्रा है, हमारे देश में जो मुद्रा क्या हो रही है? चल रही है। गलत सही? जो नोट आपके मार्केट में चल रहे हैं उस नोट को क्या कहोगे? उस मुद्रा को क्या कहोगे? वास्तविक मुद्रा के नाम से। तो नोट में हो गया 10 हुआ, इसमें 50 पैसा छाट दो। अभी सिक्का है लेकिन वास्तविक नहीं, वो चलन में अभी तुम नहीं लेन देन कर रहा। तो 10 × 5 = 15 हो जाएगा। इसका उदाहरण सब चलेगा कि नहीं चलेगा? कि वह नोट वास्तविक मुद्रा वह है जो हमारे मार्केट में क्या हो रहा है? चल रहा है, प्रवाह हो रहा है, बिना धरल्ले से, बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। 25 पैसे लेके जाओगे तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 50 पैसा लेके जाओगे, चल रहा, सरकार ने बंद नहीं किया, आरबीआई ने बंद, हम लोगों ने बंद। बैंक अब आगे पढ़ लू तो फिर आप चर्चा कर लीजिए। हाँ, हम बैंक तो आपको से 1 रुपया भी नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेगा? तो आगे चर्चा होने दीजिए। क्या थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा वास्तविक मुद्रा की परिभाषा। उम्मीद है हमारे सारे बच्चे जान गए। देश में चलन की जो मुद्रा होती है, प्रचलन में जो मुद्रा है अभी, उस मुद्रा को क्या कहते हैं? वास्तविक मुद्रा के नाम से जानते हैं। दूसरा है हिसाब किताब की मुद्रा। क्या है वह मुद्रा? जिसे ऋण का लेन देन होता है ना, मजदूरी का देते हैं, ऋण का लेन देन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो हिसाब किताब की जो मुद्रा होती है उसको हम, जिस रुपया से हम किसी का लेन देन करते हैं, ऋण की अदायगी करते हैं, विलंबित भुगतान को ये करते हैं, उसको हम हिसाब किताब की मुद्रा के नाम से। और हिसाब किताब की मुद्रा में रुपया पैसा ग्रो रखता है। क्या इसे न कर लेता है? रुपया में भी और पैसा में भी। 1011 रुपया 10 पैसा हिसाब में लिखाएगा, भले ले चाहे ना ले, लेकिन लिखाता है तो लिखाता है कि ना लिखाता है? नहीं लिखाता था। से 1 महीना पहले एक न्यूज वायरल हुआ था कि व्यक्ति ने स्टेट बैंक से कर्ज लिया था, राजस्थान या गुजरात का कोई व्यक्ति था, पेपर है होंगे जरूर, उसमें कुछ रुपया देने गया, कुछ रुपया उस पर क्या हो गया, रह गया, नहीं दिया, पैसा में था वो 31 पैसा। क्या किया उसने? नहीं दिया। कहा कि क्या ये है? बैंक ने सब सदा दिया, कर दिया। उसके पास 20-30 वर्ष के बाद आया बैंक का कागज कि आपके यहां मेरा लोन बाकी है, सदाते क्यों नहीं? हम तो सदा दिए, कागज है मेरे पास, गया देखे थे कितना, 31 पैसा जाके केस कर दिया, मामला गया हाईकोर्ट में, मैनेजर को, प्रबंधक को जाना पड़ा, इतना डटकारा, इतना मारा, तुम्हारी औकात है तो विजय माला सुन लो ना, 31 पैसा अगले का बता रहा है, तुमको 31 पैसा दिख रहा है, 9000 करोड़ नहीं दिख रहा है, माफ हो गया। इसको एनपीए कहा जाता है। बड़े लोग जब कर्ज नहीं सधा पाते तो सरकार एनपीए में डाल देती है, गरीब नहीं सधाएगा तो उसको कुर्की जब्ती कर दो, यही तो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे तरासा मतलब ताकतवर लोकतंत्र की यही कहानी है। विजय माल्या, नीरव मोदी पैसा लेके चल जाए तो क्या कर दो? एनपीए। क्या है एनपीए? आगे चर्चा होगी। और गरीब लोग लेता है तो घर क्या हो, पैसे बकरी सब खोले चल जाता है। अब उसके लायक आपको बनना पड़ेगा, मिलेगा क्यों? लोन लेने के लिए आपको ऐसा पहले आपको दिखाना पड़ेगा। क्या जी? अब प्रकृति के आधार पर मुद्रा के कितने वर्ग हैं जान गए?
अब सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा की बात करते हैं तो सामान्य स्वीकृति के आधार पर भी मुद्रा के दो प्रकार हैं। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के कितने प्रकार हैं? तो सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के दो प्रकार कौन है? तो पहला है विधिग्राह मुद्रा, कौन मुद्रा है? विधिग्राह मुद्रा, और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। नाम से परिभाषा निकल रहा है विधिग्राह, विधि माने कानून, ग्राह माने स्वीकार करना, ग्रहण करना, कानून कहा था इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना तो जेल में जाओगे। नहीं, आरबीआई ने इस पर लिख दिया कि मैं धारक को जितना का नोट है इतना देने का वचन देता हूं, वादा करने का वचन देता हूं, और उन्होंने कहा कि हम न लेंगे, जाओ पुलिस के पास, ये कहता है दूसरा का नोट हम नहीं लेंगे, डुप्लीकेट है छोड़ तो ओरिजिनल होनी चाहिए। पुलिस बताया कि आरबीआई तुम है कि पैसा आरबीआई। विधिग्राह वह मुद्रा जिसको कानूनी मान्यता क्या है, प्राप्त है, जिसको कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा, लेना पड़ेगा हर स्थिति में, गलत सही। जैसे में सारा नोट का एक रुपया से लेकर कागज का 2000 तक और सिक्का एक रुपया से लेकर 20 रुपया तक का। विधिग्राह में भी मैं बताऊंगा, विधिग्राह भी दो प्रकार के होते हैं, ये जो विधिग्राह मुद्रा ये भी दो प्रकार के होते हैं, सीमित विधिग्राह और असीमित। विधिग्राह मुद्रा कई प्रकार के, सीमित, सीमित माने विधिग्राह है लेकिन हम कम बेसी न लेंगे। जैसे कहिएगा बैंक में जाइएगा हम 1 लाख के सिक्का लाए, लीज न लेगा भाई, किसी को कर्जा से जाइएगा दूसरा के दूसरा सिक्का दिया तो लेगा नहीं लेगा, सबका दायरा है ना, उसको सीमित। सिक्का है, दुटकिया है, पर टकिया सीमित विधिग्राह है, ले सकते हैं सीमित मात्रा में। सिक्का जो भी है वो सीमित विधिग्राह है, आप सीमित मात्रा में किसी को दे सकते हैं, आप उसको 1 लाख का सिक्का लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ेगी उसको, क्योंकि विधिग्राह मुद्रा भी दो प्रकार की, सीमित और दूसरा का असीमित। ना जितना मनाओगे हम आपको नोट देंगे, हम नहीं कि आपको अकाउंट में देंगे, नोटे देंगे 1, 2, 5, 10 मतलब 50, 100, 200, 500 का ही जो क्या हो गया असीमित हो गया, जितना भी बड़ा मूल्य वर्ग का नोट है असीमित हो गया, जितना हो आप उसको लेन देन, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो व्यक्ति को मन होगा तो लेगा, मन न होगा तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह मुद्रा जो लेने वाले की इच्छा पर, ग्रहण करने वाले के, स्वीकार करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। मन होगा तो क्या करेगा, स्वीकार करेगा, और मन होगा तो स्वीकार नहीं करेगा। अब कहोगे सर ऐच्छिक मुद्रा का कुछ उदाहरण दीजिए, तो आता है ना चेक, क्या जी, विनिमय बिल, क्या होगा विनिमय बिल, इसको हुंडी भी कहते हैं, ड्राफ्ट चलेगा, ड्राफ्ट में ऑलरेडी पैसा चेक पेमेंट करता है तो ड्राफ्ट बनता है, क्या जी, ड्राफ्ट के नाम से जाएगा, तो पैसा बैंक आपसे ले लिया है तब लिख के कागज दिया है, हाँ पैसा बैंक के पास है, वो जिसके हाथ में ड्राफ्ट जाएगा उसी को बैंक पैसा देगी, क्या जी, हाँ इसमें चेक आएगा क्योंकि अभी तो लीक सीक लोग फ्रॉड है, चेक काट देंगे 1 लाख के, अब बैंक में जाकर पैसा निकाल लेंगे, हमें नहीं करता है। विनिमय बिल जैसे कई जगह आप देखते होइएगा, पहले के समय में सुना हूं सीतामढ़ी में हरिशंकर बाबू थे, पूरा अनाज वही खरीदते थे इधर उधर का अनाज, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो, नहीं तो मान लिया उनके पास अब गए तो अनाज आपसे गेहूं बेचे थे पैसा दीजिए, अरे पैसा तो नहीं है आज, आज तक व्यापारी को दे दिए कि ना होगा, हम तो बच्चों को दवा खरीदने आए हैं, डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने आए हैं, कपड़ा खरीदने आए हैं, तो कागज फाड़ लेते लिख देते कि मैं हरिशंकर प्रसाद दुकान का ठप्पा लगा दिया इतना रुपया, जाओ सिनेमा देखना है वो दिखा देगा, नवीन मेडिकल हॉल से दवाई लेना है दवाई ले लो कागज दे दो, और हरिशंकर का साइन जब चलता है, गलत गुलग सही। ऐसा भी शहर में हो रहा है, बड़े बड़े दवा का दुकानदार लोग है, जाओगे दवा लेने नहीं दवाई रुके देगा तो मंगा देते हैं, कागज पर लिख देगा अपना सिग्नेचर कर देगा मोहर लगा दे जो फलन मांगे से ले चले, वो दंगादार दुकानदार समझता है कि उसे कागज, वो कागज लेके जाएगा ही, वो आदमी आएगा यहाँ से पैसा ले चल जाएगा,
उसको हुंडी और विनिमय बिल के नाम से हुंडी कहते हैं उसको, विनिमय बिल क्या है, जैसा किसान विकास पत्र खरीदते हैं बिकता है ना पोस्ट ऑफिस में, 1,000-2,500 का किसान विकास पत्र खरीद लिए, मान लिया किसी से कर्जा लिए, मांग रहा है, अरे भाई पैसा हमारा बैंक में है लिखने का तो देंगे, समय कम है, देखिए ना खरीद के रखे हैं, आप ले लीजिए ना, तो अगर मन होगा तो लेगा, मन ना होगा तो नहीं लेगा। अब क्या है, भौतिक स्वरूप के आधार पर, किस आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर भी मुद्रा का वर्गीकरण किया गया है, और भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा के तीन वर्ग हैं। भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप माने बाहरी बनावट, भौतिक माने क्या होता है बाहरी, भौतिक माने क्या होता है, मुद्रा का जो बाहरी रूप है, इस रूप के आधार पर मुद्रा को कितने वर्ग में बांटा गया है, तीन वर्ग में बांटा गया है। पहला आप जानिए रहे धातु मुद्रा, पहला क्या है, वह मुद्रा जो किसका बना हो, धातु का, तांबा पीतल सोना चांदी एल्युमिनियम कुछ भी हो धातु का बना हो। दूसरा है पत्र मुद्रा, क्या है, पत्र मुद्रा जो कागज का बना हो। और तीसरा क्या है, शाख मुद्रा, शाख मुद्रा हमने कहा ना चेक, कह दी विश्वास होगा पर तभी आपका चेक लेगा, विश्वास नहीं होगा तो आपका चेक कोई दिक्कत। तो हमने मुद्रा के वर्गीकरण को जाना, लेकिन अभी बहुत सारी बातें इसमें बचा हुआ है, टाइम आपका इंड होता है, अब मंडे को मुद्रा के अन्य जो कार्य हैं या रूप हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा